Hello friends, on the repeating request of my many viewers, they want to make videos in Hindi language on photography. So I have decided I will make one video once a month on photography in Hindi language. Today's video on three pillars of photography, that I have already made three videos on aperture, shutter and ISO. I have already inserted the link of playlist in description. Those didn't watch till now, they can watch now. Thanks. दोस्तों, आपके बार बार कहने पर मैंने ये फैसला किया है कि महीने में एक बार मैं फोटोग्राफी पर हिंदी में वीडियो जरूर बनाऊंगा। जैसे कि आपको पता है कि फोटोग्राफी तीन पिलर्स पे खड़ी है, अपर्चर, शटर और आईएसओ। इसके बारे में मैं ऑलरेडी तीन वीडियोस इंग्लिश लैंग्वेज में बना चुका हूं और आपके रिक्वेस्ट पर इसे आज मैं दोबारा हिंदी लैंग्वेज में बना रहा हूं। जो भी नया फोटोग्राफर या बिगिनर फोटोग्राफी के बारे में सोचता है या फोटोग्राफी को सीखना चाहता है, वो सबसे पहले अपर्चर, शटर और आईएसओ के बारे में जानना चाहता है। वीडियो के इस पार्ट में पहले मैं आपसे अपर्चर के बारे में बात करता हूँ कि अपर्चर क्या है और अपर्चर का इफेक्ट्स क्या है। इसके बाद में मैं शटर और आईएसओ के बारे में बात करूंगा, क्योंकि यही तीन चीजें फोटोग्राफी की मेन बेस है। चलो देखते हैं, अपर्चर क्या है। अपर्चर एक ऐसा होल है जिसके थ्रू से लाइट कैमरा के अंदर जाती है। चलो समझते हैं ऐसे कैसे होता है और ये कैसे काम करता है। इसका उन लोगों के लिए समझना बहुत आसान होगा जो ये जानते हैं हमारी आंखें कैसे काम करती है और हमारी आंखें अंधेरे और रोशनी में कैसे रिस्पॉन्ड करती है। जैसे कि आपको पता है कि हमारी आंखों की आयरिस लाइट या डार्कनेस में फैलती या सिकुड़ती है, जो आपकी पुतली के साइज को कंट्रोल करती है। फोटोग्राफी में आपके लेंस की पुतली को अपर्चर कहा जाता है। हर कोई जानता है हमारी आंखों की पुतलियाँ अंधकार और रोशनी के हिसाब से साइज बदलती हैं। ज्यादा लाइट में पुतलियां सिकुड़ जाती हैं और कम रोशनी में पुतलियां फैल जाती हैं, ताकि आंखों के अंदर ज्यादा लाइट एंटर कर सके। आपकी आंखों की तरह आपके लेंस का अपर्चर आपको अलो करता है अपर्चर का साइज छोटा या बड़ा करना है, ताकि उतनी ही लाइट आपके कैमरा के सेंसर तक पहुँच जाए जितनी आप चाहते हैं। अपर्चर से आपकी फोटोग्राफी पर कई तरह के इफेक्ट्स पड़ते हैं, जिसमें सबसे बड़ा इफेक्ट है पिक्चर का डार्क और ब्राइट होना या एक्सपोजर का कम या ज्यादा होना। जैसे अपर्चर का साइज बढ़ता या कम होता है, ये पूरी तरह से लाइट की वैल्यू को बदल देता है, जिससे आपकी फोटो ज्यादा ब्राइट हो जाती है। बड़ा अपर्चर ज्यादा रोशनी देता है, जिससे आपकी इमेज ज्यादा चमकदार हो जाती है। इसके उल्ट छोटे अपर्चर से रोशनी कम अमाउंट में आती है और इमेज ज्यादा डार्क हो जाता है। जैसे कि आप इस क्लिप में देख रहे हैं कैसे अपर्चर का डायरेक्ट इफेक्ट एक्सपोजर पर पड़ता है। दूसरा अपर्चर का इम्पोर्टेंट इफेक्ट है सब्जेक्ट का आगे से पीछे से शार्प होना, जिसे हम डेप्थ ऑफ फील्ड के नाम से जानते हैं। कुछ इमेज की डेप्थ शैलो या छोटी होती है, जिससे उनकी बैकग्राउंड टोटली आउट ऑफ फोकस हो जाती है। दूसरी पिक्चर की डेप्थ बड़ी होती है, जिससे इमेज आगे से लेकर पीछे तक शार्प होता है। आपने नॉर्मल कैमरा के LCD पैनल और व्यू फाइंडर पर अपर्चर f/3.5, f/5.6 या f/16 जैसे लिखा हुआ देखा होगा। कई कैमरों में स्लैश नहीं होता और सिंपली f/3.5 और f/16 जैसे लिखा हुआ होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कैमरा सेटिंग्स f/8 पर करता हूँ, इसका मतलब अपर्चर साइज f/8 है। तो अपर्चर के साइज को f के साथ लेबल किया गया है। इस सिचुएशन में अगर मैं f/8 यूज कर रहा हूं, तो मैंने अपर्चर का साइज स्पेसिफिकली उस स्पेसिफिक फोटो के लिए ही सेट किया होगा। वीडियो के इस पार्ट पे मैं फोटोग्राफी के दूसरे मेन पिलर शटर के बारे में बात कर रहा हूँ। शटर स्पीड क्या है और इसके क्या इफेक्ट होते हैं। शटर स्पीड बेसिकली दो खास चीजों के लिए जिम्मेदार होती है। पहला, किसी भी सब्जेक्ट की ब्राइटनेस को चेंज करना और दूसरा, और डायनेमिक इफेक्ट्स पैदा करना, जैसे किसी भी सब्जेक्ट को फ्रीज करना या उसको ब्लर करना। ब्लर करने का मतलब है
कोई भी रफ्तार में आ रही थी या मोशन में जो चीज हो उसकी मोशन और रफ्तार को दिखाना या ये बताना कि ये सब्जेक्ट रफ्तार में और मोशन में है। वीडियो के इस भाग में मैं शटर स्पीड के बारे में काफी कुछ बताऊंगा। शटर स्पीड तभी एग्जिस्ट करती है जब आपके कैमरे में शटर के नाम से जानने वाली कोई चीज होती है, या ये कहे कैमरा सेंसर के सामने एक पर्दा होता है जो कैमरा फायर होने तक बंद रहता है। शटर का पूरे खुले होने का मतलब कैमरा सेंसर उस समय उतना एक्सपोज हो रहा होता है कि लाइट लेंस के थ्रू सेंसर तक अंदर आ सके और सेंसर रोशनी को कलेक्ट कर सके। जैसे ही शटर बंद होता है सेंसर पर आने वाली लाइट भी बंद हो जाती है। फायर बटन दबाने को शटर या शटर बटन भी कहा जाता है क्योंकि इसके दबाने से शटर खुलता और बंद होता है। जब हम DSLR के शटर के बारे में बात करते हैं तो इसके तीन बेसिक मैकेनिज्म होते हैं, मिरर बॉक्स, बॉटम डोर, टॉप डोर। अगर आप DSLR के व्यू फाइंडर से देख रहे हो तो आप एक नहीं कई मिरर्स की परतों से देख रहे होते हो और रोशनी डायरेक्टरी लेंस के थ्रू आ रही होती है। जब आप शटर बटन को क्लिक करते हो मिरर ऊपर की तरफ उठ जाता है और रोशनी को सेंसर के अंदर आने के लिए अलो करता है। यही कारण है आपको व्यू फाइंडर ब्लैक उतनी देर तक नजर आता है जब तक आप फोटो ले रहे होते हो। जैसे ही मिरर ऊपर को जाता है एक स्मॉल डोर ऊपर से नीचे को मूव करता है जिससे सेंसर नीचे से एक्सपोज हो जाता है। उसके बाद दूसरा डोर नीचे गिर जाएगा और सारे सेंसर को कवर कर देगा। ये प्रोसेस वेरी करता है कि उस वक्त शटर की स्पीड क्या होती है। कई बार शटर स्पीड इतनी फास्ट होती है कि कैमरा सेंसर किसी एक वक्त पर पूरी तरह से एक्सपोज नहीं होता है। दूसरे डोर के बंद होने के बाद मिरर नीचे गिर जाएगा और अपनी जगह पे वापस आ जाएगा। मिरर के ऊपर जाने से लेकर नीचे आने के पूरे प्रोसेस को एक्चुएशन के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर शटर स्पीड को कैमरा पर फाइंड करना बहुत आसान होता है जो कि आपको कैमरे के टॉप पैनल पर दिख जाएगी क्योंकि मोस्टली टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर होती है जैसे कि सर्कल में दिख रहा है। अगर आपके कैमरे में टॉप पैनल नहीं है जैसे कि एंट्री लेवल के DSLR में होता है, आप व्यू फाइंडर में भी इसे देख सकते हैं जहाँ आप शटर स्पीड को नीचे लेफ्ट साइड पर देख सकेंगे। अगर आपके कैमरे में ना तो टॉप LCD पैनल है और ना ही व्यू फाइंडर है जैसे कि कई मिररलेस कैमरों में होता है, आप शटर स्पीड को सिंपली कैमरे के पिछले डिस्प्ले स्क्रीन पर देख सकते हो। शटर स्पीड शटर खुलने के टाइम की वो मेजरमेंट है जो सेकंड या सेकंड के हिस्से में होती है कि कितनी देर तक शटर खुलता है, जैसे 1 पर सेकंड, 1 2 पर सेकंड, 1 4 पर सेकंड, 1 250 पर सेकंड, 1 500 सेकंड। जितनी फास्ट शटर स्पीड होगी इमेज सेंसर उतना कम एक्सपोज होगा, दूसरे शब्दों में कम लाइट सेंसर के पास पहुंचेगी। दूसरी तरफ जितनी कम शटर स्पीड होगी इमेज सेंसर उतना ज़्यादा लाइट के लिए एक्सपोज होगा। अगर आप उस सब्जेक्ट को शूट कर रहे हैं जो कि रफ्तार में है तो आपको डिफरेंट तरह के इफेक्ट्स डिफरेंट स्पीड पर मिलेंगे। फास्ट शटर स्पीड मोशन को फ्रीज कर देती है और स्लो शटर स्पीड दो तरह के ब्लर को जन्म देती है, एक फर्स्ट कैमरा मूवमेंट जिसे हम कैमरा शेक भी कहते हैं और सेकंड सब्जेक्ट मूवमेंट। दूसरी शब्दों में फास्ट शटर स्पीड से हम बड़ी आसानी से ज़्यादा रफ्तार वाले सब्जेक्ट यानी कि मोशन वाले सब्जेक्ट को फ्रीज कर सकते हैं जिसे कैमरा शेक के इफेक्ट को ख़त्म या कम किया जा सकता है। इसके उल्ट स्लो शटर स्पीड रफ्तार को दिखाने के लिए होती है जैसे कि बहता हुआ पानी या दूसरी मोशन वाली सब्जेक्ट्स। शटर स्पीड को चेंज करने से आप कंट्रोल कर सकते हैं कि सब्जेक्ट को फ्रीज करना है या दिखाना है कि वो रफ्तार में है या मूव कर रही है। डार्क पिक्चर तब बनती है जब शटर फास्टली मूव करता है और लाइट को सेकंड्स के हिस्से में लाइट को आने की इजाज़त देता है। तो हाफ सेकंड की शटर स्पीड 200 की शटर स्पीड के बदले ज़्यादा रोशनी की इजाज़त देगी जिसे एक ब्राइट इमेज बनेगा। अब मैं फोटोग्राफी के उस पिलर के बारे में बताना चाह रहा हूँ जिसे हम ISO के नाम से जानते हैं। आप हैरान हो रहे होंगे इन छोटे मगों का फोटोग्राफी से क्या ताल्लुक है। इस पे कुछ नंबर प्रिंटेड है। वीडियो के इस पार्ट में मैं इस नंबर्स के बारे में ही डिस्कस कर रहा हूँ। जब हम फिल्म फोटोग्राफी करते थे या फिल्म कैमरा यूज किया करते थे तो हमारी कैमरा किट में
अलग अलग नंबर की कुछ फिल्म्स होती हुआ करती या हम उसको रखते थे, जिसे हम अलग अलग लाइटिंग कंडीशन, अलग अलग रिक्वायरमेंट में अलग अलग नंबर्स की फिल्में यूज किया करते थे। मैं नॉर्मली फूजी वेलविया, सेंसिया और प्रोविया यूज किया करता था। फूजी पे 50 लिखा होता था, सेंसिया और प्रोविया पे 100 से 400 लिखा हुआ था। बेसिकली ये नंबर्स जो है आईएसओ को रिप्रेजेंट करते हैं। फोटोग्राफी के मेन तीन पिलर्स में आईएसओ एक ऐसा पिलर है जो फोटोग्राफी को एक खास इफेक्ट देता है। बाकी दो पिलर्स शटर और अपर्चर के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। वीडियो के इस पार्ट में मैं आईएसओ को बहुत साधारण एग्जांपल से आपके सामने रखूंगा, जिसे आप इससे ज्यादा से ज्यादा निकाल सकें और फ्यूचर में आपके फोटोग्राफी में ये काम आ सके। चलो देखिए। आसान लैंग्वेज में आईएसओ एक ऐसी कैमरा सेटिंग है जो फोटो को डार्क या ब्राइट करती है। जैसे आप आईएसओ नंबर बढ़ाते हो आपकी फोटो ब्राइट होती जाती है। तो आईएसओ एक बहुत अच्छा फीचर है जो फोटो को डार्कनेस में शूट करने की इजाज़त देता है, पर आईएसओ बढ़ाने के कुछ बुरे नतीजे भी हैं। ज़्यादा हाई आईएसओ में ली गई तस्वीर में आपको काफ़ी ग्रेन्स नज़र आएंगे, जिसको नॉइज भी कहा जाता है। फिल्म के दिनों में जो फोटो हायर आईएसओ पर शूट की जाती थी उस पर काफ़ी ग्रेन्स विजिबल होते थे, जिसे आप बड़े आराम से दे सकते थे। डिजिटल कैमरों में आईएसओ को इंक्रीज करना मतलब इमेज की क्वालिटी को उसी तरह से ही कम करना है, जिसके नतीजे में ग्रेन्स बढ़ते हैं, जिसे नॉइज कहा जाता है। इन दोनों पिक्चर्स में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो पिक्चर हमने आईएसओ 10,000 पर शूट की है उसमें ISO 100 पर शूट गई पिक्चर से कहीं ज़्यादा नॉइज नज़र आ रही है। इसी कारण आपको ज़्यादा से ज़्यादा हाई ISO को अवॉइड करना चाहिए, जहाँ तक भी पॉसिबल हो सके, तब तक जब तक आपको इसकी ज़रूरत ना हो। हर कैमरे की अलग अलग ISO रेंज या ISO स्पीड्स होती है। आप इन वैल्यूज को इन पिक्चर में देख सकते हो, 1600, 3200, 6400, 12800 ये नंबर ISO के हैं। इसी तरह ISO 400 पर शूट की गई फ़ोटो 200 ISO पर शूट की गई फ़ोटो से डबल ब्राइट हो गई, और 200 ISO पर शूट की फ़ोटो 100 ISO से डबल ब्राइट होगी। आप देख सकते हो जैसे मैंने ISO 100 को इंक्रीज कर 200 ISO किया, पिक्चर 100 ISO से ज़्यादा ब्राइट होती जाती है। इसी तरह जब मैं 200 ISO को 400 ISO पर रेज करता हूँ तो इमेज 200 से ज़्यादा ब्राइट होती है। आप इसके लेवल का फर्क को हिस्टोग्राम में साफ तौर से देख सकते हो, और जिसको मैंने 100, 200 और 400 ISO पर शूट किया था। ISO स्पीड को चेंज करने का तरीका हर कैमरे में अलग अलग तरह का होता है। एंटी DSLR और मिररलेस कैमरा में आपको मेन्यू को ओपन कर ISO पार्ट को फाइंड करना पड़ता है, और मेन्यू खोलकर ISO स्पीड को बढ़ाना और इसको ऑटो पर रखना पड़ता है। पर हायर एंड कैमरा में ISO बटन अलग से दिया होता है, इसे प्रेस करके फ्रंट या बैक डायल को रोटेट करना होता है, जिससे ISO की वैल्यू चेंज हो जाती है। इस फीचर को ऑन करने पर कैमरा आपको अलाउ करता है कि आप ISO को रेज कर सके, और ये डिसाइड करें कि शटर स्पीड काफ़ी कम हो रही है एक अच्छे इमेज के लिए, या और बेटर हो सकती है। आजकल नए कैमरों में एक नया फीचर एडिट होता है, जिसे आप मेन्यू में जाकर ISO सेंसिटिविटी ऑटो कंट्रोल को चूज कर सकते हैं। इससे ISO अपने आप इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी लाइटिंग कंडीशन के मुताबिक, इवन कैमरा चाहे मैनुअल मोड पर सेट हो। आप मेरे Nikon कैमरे में देख सकते हो, जहां मैंने ISO सेंसिटिविटी को ऑटो पर सेट किया हुआ है और ISO ऑटो डिस्प्ले पैनल पर डिस्प्ले हो रहा है। इसमें कुछ एडवांस ISO सेटिंग्स भी है जो मैं नई वीडियो में डिस्कस करूँगा, जिसमें आपको एडवांस फीचर के बारे में बताऊँगा। तब तक आप मुझसे आइडिया शेयर करें और कमेंट करें, ताकि मैं वो वीडियो बनाऊं जो आप देखना चाहते हैं। आपको मेरा पहला हिंदी वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल को क्लिक करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।